नमस्कार, हर खबर पंजाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फागन त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब यूनिवर्सिटी में तुरंत सीनेट चुनाव कराने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से हस्तक्षेप की मांग की है। उपराष्ट्रपति को लिखे पत्र में भगवंत सिंह मान ने कहा कि मौजूदा सीनेट का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो जाने के बावजूद पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव का ऐलान नहीं किया गया, जो कि राज्य के लिए बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है। सीएम ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का गठन 1947 के पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट 1947 का एक्ट 7 के अंतर्गत किया गया था और इसकी स्थापना 1947 में देश के विभाजन के बाद मुख्य यूनिवर्सिटी के लाहौर में रह जाने से पंजाब को हुए नुकसान की भरपाई के लिए की गई थी। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि 1966 में राज्य के पुनर्गठन के बाद पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 ने इसकी स्थिति को बरकरार रखा, जिसका अर्थ है कि यूनिवर्सिटी पहले की तरह कार्य करती रहेगी और वर्तमान पंजाब में शामिल क्षेत्र इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल होंगे। पंजाब में किसानों की धान की फसल को लेकर भटिंडा में रियायती कला मंडी में बैठे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 1 तारीख को खरीद शुरू होनी थी, आज 43 दिनों तक नहीं शुरू की गई। पिछले दिनों एक किसान ने आत्महत्या कर ली और उसने दीपावली भी नहीं मनाई। खबर भटिंडा से है, जहां किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं किसानों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगे नहीं सुन रही, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं नाले भी कहांगा कि भी वो ये तो कह देंगे कि केंद्र सरकार का कोई एक दोष तो लगाओ, ये कह देना सौखा है, मैं तो कोई दोष तो लाओ, ठीक है ना, कि किस गलों कि इस करके कि केंद्र सरकार ने अज तक खाद की कोई समस्या नहीं आने दी, इस करके कि केंद्र सरकार ने किसानों नू कोई समस्या ना आवे, इस करके 44,000 करोड़ रुपया एडवांस देता, इस करके धरने लाने, मतलब ये ता पर वो किसी होर पास्यों जड़ी होंगी है। और केंद्र के खिलाफ कोई अगर कोई करना है, अगर कोई गलती है तो मैं नाल जाण नू तैयार हाँ उन्होंने काम करन, पर कारण तो दसना पऊ ना। बलाचौर में वरिष्ठ पुलिस के नेतृत्व में अभियान चलाया गया, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 5 ग्राम हीरोइन बरामद किया है। खबर बलाचौर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है। साडे जिला मुखी सरदार डॉक्टर महताब सिंह IPS जिला शहीद भगत सिंह नगर जी दे दिशा निर्देश अते श्री श्याम सुंदर शर्मा DSP शबनी बलाचौर जी दी योग अगवाई हेठ हर रोज थाना बलाचौर दे एरिए विच गश्त व पेट्रोलिंग जी है की जाती है, जिस के दौरान नशा तस्करा और नशे की सप्लाई देने वाले बंदियों से खास नज़र रखी जाती है, जिस के दौरान साड़ी कल थाना की टीम जिसके इंचार्ज सुहाग चंद लेखा चौंक मौजूद सी, जिते इन्हों की लड़के नाल बाई चक्कर हुई, जिस दौरान वो लड़का ने पिछले पुलिस पार्टी देखते खिसकने की कोशिश की थी। नूरपुर बेदी पुलिस नूरपुर बेदी गांव कीमा बास खड राजगिरी में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि बीती रात गांव कीमा बास में एक शादी समारोह के बाद शराब पीने से रोकने पर एक भतीजे ने अपने पिता पर कृपाण से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी कुछ देर बाद मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने
पत्नी हरजीत कौर गांव कुलगड़ा निवासी शादीलाल के बयानों पर उसके चाचा के लड़के लखविंदर सिंह और लक्की पुत्र रोशनम पर उसके पिता रोशनलाल पुत्र सीबू राम की हत्या का आरोप लगाया था। जी कल करीब 8:30 बजे सवेरे सानू सिविल हॉस्पिटल रोपड़ तो एक रुका मसूल होया सीगा डेथ दा। ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 65 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸੋਹਣ ਲਾਲ, ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਔਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖੀਮਾਵਾਸ। पंजाब विजन 2047 में हिस्सा लेने पहुंचे वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि आज का कार्यक्रम आने वाले वर्षों में पंजाब और देश की रूपरेखा तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी के ढांचे को तब्दील करने की बात कही और कहा कि इससे पंजाब को 5 से 7 हजार करोड़ का घाटा पड़ रहा है। तो वहीं शहीद भगत सिंह को पाकिस्तान पंजाब की ओर से आतंकी बताए जाने पर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हमें पड़ोसी देश से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पंजाब दे अंदर किहड़े किहड़े खेत्रां दे अंदर होर तरक्की करन दी लोड़ आ, किथे तरक्की हो चुकी आ, किथे होर करन दी लोड़ आ, ओह सारिआं ते इक फ्रूटफुल डिस्कशन दी शुरुआत होई आ। सो मैं सानी साहब दा धन्नवाद करना चाहुंगा और सारे जिहड़े अज साथी शामिल होए ने, मैनूं अज बड़ी खुशी आ कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे जिहड़े साडे स्टूडेंट नेगे ओह वड्डी गिणती दे अंदर इह च भाग लै रहे नेगे और अपने भविख बारे ओह गल सुणनी चाहुंदा नहीं कि साडे जो अज दे असीं लीडर आ या साडे जिहड़े विद्वान ने प्रोफेसर ने ओह की देना चाहुंदे ने आने वाले समय च, उस डिस्कशन दे अंदर ओह भाग लेना लै रहे ने, डिस्कशन सुन रहे ने। सो बहुत वड्डी गल आ, बहुत अच्छी गल आ। नहीं सैमीनारा दे अंदर बहुत घट घट हुंदे ने कि अज दे सैमीनार की मैनूं बड़ी तसली आ कि सब तो ज़्यादा घट जिहड़ा सी ओह साडे स्टूडेंट बच्चियां दा सी। पंजाब विजन 2047 कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने आम आदमी क्लिनिक का नाम बदलने की बात कहते हुए कहा कि जहां केंद्र सरकार और पंजाब की 60 से 40 की हिस्सेदारी है वहां नाम बदल दिए जाएंगे, लेकिन जो आम आदमी क्लिनिक डिस्पेंसरियों में खुल गए हैं वो स्वास्थ्य केंद्र नहीं बदले जाएंगे। इसके साथ ही पंजाब पर बढ़ते कर्ज के बारे में भी बात करी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बलबीर सिंह ने बोलने से इनकार कर दिया। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਔਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। जिला भटिंडा के गांव रायके कला में पुलिस और किसानों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद भटिंडा के डिप्टी कमिश्नर का बड़ा बयान सामने आया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पिछले दिन ही किसानों ने उनका दफ्तर और घर घेर कर उनके साथ मीटिंग की थी, जिस दौरान किसानों को उन्होंने हर मंडी में से धान उठाने का भरोसा दिया था और किसानों को अलग अलग मंडियों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई थी कि किस मंडी में से कितना धान अब तक उठाया जा चुका है और कितना बाकी है। तो वहीं डिप्टी कमिश्नर ने माना कि 1-2 मंडियों को छोड़कर बाकी मंडियों में बिना किसी रुकावट के काम चल रहा है और हर मंडी में लिफ्टिंग के साथ साथ धान की खरीद भी की जा रही है। थानू याद होएगा कि कुछ दिन पहला किसानों ने मेरे दफ्तर नूं भी घेरिया सीगा,
ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਫਿਗਰਸ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਡੇਲੀ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਕੇ ਕਲਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਸੀਲਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ SHO ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਇਬ ਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ DSP ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ DSP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ SDM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। चंडीगढ़ के DGP सुरेंद्र सिंह यादव का बयान सामने आया। बता दें कि साइबर अपराधों के मद्देनजर चंडीगढ़ पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। शहर के अलग अलग कोनों में सिटीजन रिव्यू सर्विस ब्लॉक बॉक्स खोला गया है, जिसका पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने उद्घाटन किया। इसके साथ साथ साइबर अवेयरनेस क्योसक का भी उद्घाटन किया गया। ऐसा कदम चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा लिया गया है कि जिसमें प्रयास ये किया गया है कि पुलिस सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल, अकाउंटेबल बनाया जा सके और साथ के साथ जो सुलभता से प्रोवाइड की जा सके। साइबर अपराध के बारे में 3 कियोस्क जो चंडीगढ़ में लगाए गए हैं, जो पहला चरण है, आगे उसी आवश्यकता के अनुसार अगर आवश्यकता हुई तो और ज्यादा संख्या में लगाए जाएंगे कि साइबर अपराध की सूचना समय पर दी जा सके, जो सूचना है उसके बारे में जागरूकता ज्यादा बढ़ाई जा सके। साथ के साथ थानों में और ट्रैफिक सेवाएं हैं और बाकी जो चंडीगढ़ पुलिस की इकाई है वहां पर भी QR बेस्ड जो सिटीजन रिव्यू सिस्टम जो शुरू किया जाएगा कि जिसमें हम नागरिक जो हैं उनके फीडबैक के आधार पर हमारी सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके और जिसमें आवश्यकता पड़े वहां पर सुधार भी किया जा सके। खबर समाना से है, जहां छत से गिरने से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि समाना के रामगिरी मोहल्ले में सुबह 10 साल का बच्चा इमरान खान अपनी छत पर खेल रहा था। वहीं हादसे के बाद बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इसको लेकर डॉक्टर दीपक मौगा ने बताया कि अस्पताल आने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। नहीं आया बच्चा, एक अंदाजन 10-12 साल का होएगा, इमरान खान करके नाम दस रहे हैं। कल्ले मदर ही नाल आए, बाकी आंढ़ी गुआंढ़ी नाल आए। उन्होंने अनुसार बच्चा छत पर खेल रहा है, सिर के बल नीचे गिर गया गलती नाल। साढ़े को आया तो ब्रोड डेड ही है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी सी पहला ही, सर सिर से लगी हुई है। उन्होंने जिन्होंने देखे उन्होंने अनुसार सिर के बल थले गिर गया गलती नाल खेलते हुए। हाँ 10-12 साल उम्र होगी। इमरान खान नाम है जिंदा, बाकी सारी डिटेल एक्चुअली इन्होंने घर दिन बुलाया असं, क्योंकि कल्ले मदर इतने है बहुते दसन के हालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के लंबित नगर निगम चुनावों की घोषणा 15 दिनों में करने के निर्देश देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने या उसे रद्द करने से इंकार कर दिया। राज्य और SEC को निर्देश दिया है कि वो 2 सप्ताह के भीतर चुनाव प्रक्रिया को अधिसूचित करे और उसके बाद 8 सप्ताह के भीतर इसे पूरा करे।
तरन तारण सहार नाला कसूर रोही और सिटी पुलिस के शूटर के साथ पुलिस मुठभेड़ हो गई, जिसमें शूटर योधवीर सिंह उर्फ जोधा घायल हो गया। आरोपी के पास से मोटरसाइकिल और गोलक पिस्तौल बरामद हुई है। देर रात थाना सिटी के SHU हरप्रीत सिंह को गुप्त सूचना मिली कि फिरौती मांगने वाला योधवीर सिंह उर्फ जोधा सटर इस समय सहार नाला कसूर रोही कंडे पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है, जिस पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। फायरिंग हुई थी वाहेगुरु सिंह जी दे दुकान से, अर्ली मॉर्निंग फायरिंग हुई थी 5:30 के लगे, और संबंध में 155 नंबर FIR सिटी तरनतारण दर्ज हुई थी। उस एक सानू अज लीड लगी थी बई जिहड़ा बंदा है जोधवीर सिंह, इन्हें ये वारदात को अंजाम दिता है। तो जो साड़ी पुलिस पार्टी इनू फड़न वास्ते मुकबर खास दिन तला इतने आई सी, तो इन्होंने सानू सामने वेख के पुलिस पार्टी सामने वेख के पुलिस वाल 4 फायर कड़े, जिहड़े कि पुलिस की गड्डी ते 2 फायर लगे हैं, 2 इन्होंने आसे पासे लगे हैं। फिरोजपुर के गांव खाई खेमे में शादी होने के बाद जब लड़की की विदाई होने लगी तो किसी ने गोली चला दी, जो लड़की के माथे पर लगकर निकल गई। लड़की को गंभीर हालत में फिरोजपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि लड़की की शादी थी और जब वहां से विदाई होने लगी तो किसी ने अचानक गोली चला दी, जो लड़की को लग गई, जिसके बाद युवती को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पुलिस जांच कर रही है कि गोली किसने चलाई। अनिल बाजू हॉस्पिटल की लड़की आई है, जिन्हें नाम बलजिंदर कौर है, इन्हें 25 साल दी है। ये कुड़ी लड़की का विआह सी, घर दे कहने मुताबक कि डोली तुरन लगी सी, कि गोली चली है जिहड़ी इन्हां दे मत्थे ते लगी है। हाँ जी सर, हुण हालत इन्हां दी क्रिटिकल आ, बाकी इलाज चल रहा है। सर होर कोई जानकारी परिवार वालों की? नहीं हजे तक होर कोई जानकारी नहीं परिवार वालों दी। नहीं ਵਿਆਹ हो चुका होया ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਹਸਨ ਢੋਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ। ਖੰਨਾ ਕੇ ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ ਪਰ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। यह हादसा शनिवार की रात हुआ, जब तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार की जान ले ली। बता दें कि इस कार व्यक्ति को बाइक समेत करीब 200 मीटर तक घसीट ले गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मृतक की पहचान गुरप्रीत सिंह जग्गी के रूप में हुई है, जो बगली कला का रहने वाला बताया जा रहा है। हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गुरप्रीत सिंह राजमिस्त्री का काम करता था और उसकी 1-2 साल की बेटी भी है, और अभी 3 दिन पहले ही दूसरी बेटी ने जन्म लिया था। मेरे भाई दे कोल जी कुड़ी हुई थी, वो हॉस्पिटल जाने चला सीगा, मैनू कह के चला सीगा भी हना भी मैं भी तू घर नु चले, भी मैं तेरी भाभी कोल नहीं चला। किवें होया हादसा? हादसा जी मेरा भाई अपनी साइड जा रहा सीगा, ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਰੂਪੀ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਦਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। गुरुद्वारा साहिब में लंगर खाने आए एक 4.5 साल के बच्चे को एक महिला बहला कर ले गई। औरत को फतेहगढ़ पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करके बच्चे को बरामद किए जाने का दावा किया गया है। SHO थाना फतेहगढ़ साहिब मलकीत सिंह ने बताया कि पुलिस की तरफ से बच्चों को बहलाकर लेती जा रही है।
ज्योति नामक औरत को पकड़कर बच्चे को बरामद कर लिया गया। उन्होंने बताया कि बरामद किए गए बच्चे को उनके माँ बाप के हवाले कर दिया गया है और ज्योति को गिरफ्तार करके मामले की तफ्तीश की जा रही है। खबर फतेहगढ़ से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है जो बच्चे को बहला फुसला कर अपने साथ ले जा रही थी, तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आगे की जांच जारी रखी है। फतेहगढ़ से बच्चे को बहलाकर साथ ले जाने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने एक्टिव मोड में कार्रवाई करते हुए महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि महिला बच्चे को झांसे में लेकर अपने साथ ले जा रही थी, तो वहीं पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पर शिकंजा कसा और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। कल शाम में एक बच्चे का गुरुद्वारा ज्योतिष रूप साहब तो गुम होने का पता लग गया। माँ ने आने के सू सूचना दी सी, जिसके तुरंत बाद असी घर भी कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करके CCTV तो सुराग लाते हुए उस औरत तक पहुँचे जिसने ये बच्चे बरगला के लैके गए। बच्चा सकुशल बरामद करा के वो माँ के सुपुरद कर दिता है। औरत जी मुलजम है उसनों गिरफ्तार कर लिया, अगे तफ्तीश जा रही। की नाम है औरत जो गिरफ्तार की है, कितने की रहने वाली है? औरत ज्योति पत्नी राजीव कुमार वासी दिल्ली प्रीतमपुरे की है। इन जवेरे है अगे तफ्तीश जा रही। किन साल का सी बच्चा? बच्चा करीब 4.5 साल। घर की किसी बच्चे ने किडनैप करके या बरगला के लिया के? अजे इस बारे कोई खुलासा नहीं है, इस बारे जल्द ही असं देख रहे हैं तफ्तीश करते। पंजाब सरकार की ओर से पूरे पंजाब से प्रदूषण खत्म करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि पंजाब को बीमारियों से मुक्त किया जा सके और पंजाब को हरा भरा रखा जा सके। जिसके तहत हल्का विधायक गुरदेव सिंह देवमन ने ग्राम पंचायतों और राउंड ग्लास संस्था के सहयोग से नाभा ब्लॉक की ग्राम पंचायत थूही और थूहा पट्टी में ठोस कचरा प्रबंधन का उद्घाटन किया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखने के बारे में भी विशेष जानकारी दी गई। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है जी। हरेक घर दे विच कूड़ा हुंदा है जी, जिन्हों पर गिला ते सुका कूड़ा कहने हैं। उस गिले ते सुके कूड़े नू मैनेज करन वास्ते राउंड ग्लास फाउंडेशन बेहतर करन वास्ते आ सिस्टम जिहड़ा है जी, इनू पंजाब सरकार वालों एक मुहिम तोरी गई है, जिहड़ी अज थूही पिंड विधानसभा नाभा दे विच सारियां बीबियां भैणां साडियां उन्हां नू इह जिहड़े असीं आह दित्ते ने जी कूड़ा सामने वास्ते गिला ते सुका कूड़ा बाल्टियां दित्तियां ने, ये कूड़ा पाया जाऊगा। तो असी 500 घर पिछे ग्रेडी भी दे रहे हैं, तो एक ड्यूटी भी लगेगी जी, एक पंचायत जी चुन के एक नुमाइंदा भी दूगी जरा घर घर तो कूड़ा कट्ठा करेगा। और इस कूड़े तो राउंड ग्लास फाउंडेशन वालों पिंडा उत्ते काम करिया जा जा रहा, जिदे विच लोगों का जीवन पद्धर उच्चा रखने लई ते पिंडा की साफ सफाई लई, ते इहदे नाल मिलदे जुलदे साडे होर भी कई प्रोजैक्ट ने, जिवें रुखां दा हो गया, स्पोर्ट्स नूं लेके हो गया। अच्छा जी, ते उह सारे साडे प्रोजैक्ट पिंडा दे जिहड़े जीवन पद्धर नूं जां बच्चां दे जीवन नूं उच्चा चुकण लई कीते जा रहे। देखो जी, इह जिहड़ा प्रोजैक्ट है बहुत वधिया बण के लॉन्च कीते गए, क्योंकि पिंडा दे विच हजे तक किसी नूं पता नहीं गा भी कूड़ा सुक्का किवें लैदा करना, गिला किवें लैदा करना जी। उहदी पहचान कराउण वास्ते दो बाल्टियां दित्तियां गईआं ने जी, जिवें इक सुके कूड़े ते इक गिले कूड़े वाली। घर घर दे विच जा के इह बाल्टियां रख के बीबियां दा सहयोग इहदे विच ज़्यादा होगा जी। हुण जिवें MLA साहब साडे गुरदेव सिंह देवमान MLA साहब, वह भी नाभे दे विच काफ़ी बहुत वधिया काम कर रहे हैं, जिवें उन्होंने डंप चुकाते जी, होर अलग अलग जिवें कूड़ा मतलब कि सारे डेली चुकया जाता, यह भी डेली से डेली पिंड चुकया जाऊगा। वो भी साडे नगर के आके लॉन्च करके गए हैं, वह भी बेनती करके गए हैं भी पूरे पंजाब मतलब कि पहला पिंड बनाने असी पूरी ट्राई करांगे, तो नगर नूं पूरा साथ लैके चलांगे, घर घर जावांगे, अलग अलग मतलब कि जिहड़ा गिला कूड़ा सुक्का कूड़ा अलग अलग करके जिहड़ा बंदा रखांगे। ये तो इन्हां नूं वक्खरे वक्खरे करके जी असीं पहलां ही घरां तों ही अलग अलग करके रेहड़ी दे विच इक बकायदा इहदे लई इक बंदा रखना जिहड़ा उह लै के जाऊगा, उस तों बाद इहनूं उत्थे डंप करके जिहड़ा प्लास्टिक आ उहनूं असीं ने बेच देना,
ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੂੜਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਲੇ ਲਈ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਗਲ ਸੜ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੀਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗਿੱਲੇ ਸੁੱਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਬੀਮੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।